आरआरएम फाउंडेशन का सबसे अच्छा उद्देश्य जो रहा है वो है कि सब होम बायर्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लाना, क्योंकि अकेला आदमी जाएगा इधर उधर भटकेगा, कोई उसको सुनेगा नहीं। और जब एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जाएगा और अधिकारियों से मिलेगा या अपनी प्रॉब्लम जो है समझाएगा तो उनको पता लगेगा कि इनके पीछे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे और ये कॉमन कॉज वाली इश्यूज थे। और इसलिए आरआरएम फाउंडेशन का बनना लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा और फ्यूचर में बजाय अपना अलग अलग नाम से जाने के एक नाम पे जाकर मीडिया को भी इसको सपोर्ट देगी और अधिकारी भी इस पर ध्यान देंगे और उसको गंभीरता से लेंगे। तो बहुत अच्छा स्टेप है और इनको शुभकामनाएं, और फ्यूचर में जितने भी लोगों की मुश्किलें हैं उसको हल करने में ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। नहीं, बायर्स की समस्या जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगी इतनी जल्दी, क्योंकि अलग अलग बिल्डर की अलग अलग इश्यूज हैं। उसके अलावा जो क्या है कि गवर्नमेंट का जो अधिकार है, रेरा पॉलिसी जो आई है, जो सुपर एरिया कारपेट एरिया और जो रजिस्ट्रेशन हो रही है अभी जिनको कब्जा दे रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन सर्कल रेट पे हो रही है। हमारे देश के बाकी हिस्सों में जितने कीमत आपने चुकाई है उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। यूपी में उल्टा है, जैसे कुछ लोग इसे उल्टा प्रदेश कहते हैं, कानून भी उल्टा है। बायर के लिए सूटेबल इसलिए होगा कि सब लोग अपने एक जगह एक मंच पर आकर और लोगों को बताएंगे कि ये किस प्रकार से हमारी मुश्किलें हल की जा सकती हैं, और इसमें काफ़ी हम लोग आगे बढ़ने की उम्मीद है।